हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, जिसकी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसमें पहली है मीटर ब्रिज, जिसको हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, स्लाइड वायर, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको टू लॉज पढ़ाए थे, जिसमें पहला था हमारे पास में KVL, जिसको हम KCL था, जिसमें हमने आपसे कहा था जंक्शन रूल, जिसको हम कहते थे किरचॉफ करंट लॉ। सेकंड था हमारे पास में किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। आज हमारा जो मुख्य कंसेप्ट है वह है हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या चीज़ है हमारे पास में? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करें क्लास ट्वेल्थ के अंदर भी ये क्या चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी क्या चीज़ है हमारे पास में एप्लीकेशन है। इसको आपको समझना है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी चीज़ की एप्लीकेशन है, जिसको हम प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल क्या है, और इसको ड्राइव किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ हमें देखनी है। अगर मैं बात करता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, तो इसके डेफिनेशन के बारे में लिखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट हमारे पास में आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ठीक है, फोर रजिस्टेंसेस विच कैन बी यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ रेस्ट। ये क्या चीज़ है, एक अरेंजमेंट है फोर रजिस्टेंस का, जिसमें से एक क्या रहेगा हमारे पास में, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, किसके मैं बात करता हूँ बेटा, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आप इसको क्या कर दोगे, आपको बिल्कुल कंसिस्ट है, आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस, लिख लीजिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जिसके नाम है P, Q, R एंड S। ठीक है, ये है इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R, S अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फिगर, मैं अभी एक फिगर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक तरीके से इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज शोन इन द फिगर। तो देखिए ये हमारे पास में क्या चीज़ है, आ जाएगा ना, यस, चलिए यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, आपने देखा ये एक रेजिस्टेंस आपका क्या चीज़ है, इस तरीके से क्या चीज़ है, एक रेजिस्टेंस हो गया,
ठीक है। और आपके पास में यहाँ भी क्या चीज़ है, ये भी आपका क्या चीज़ है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, कोई नहीं, ये आप नोट करिए जल्दी से ना, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तब बनाते हैं इसके डायग्राम सही है। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरीके से आ जाता है तो कोई डाउट नहीं है। देखिए हमारे पास में दो हैं कि ये हमारे पास में एक पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस ये है हमारे पास में, ठीक है, ओके। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास में, ये है, इसको आपने किससे कर दिया है, इसने आपने इसको एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर एक क्या चीज़ है, डिवाइस है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास में एक और रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से एक और रेजिस्टेंस है, इज द पॉइंट, ये एक अरेंजमेंट है इस तरीके का, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। ये इस तरीके से है, दिस इज़ द पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका आई करंट इसके अंदर से क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है, दिस द ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये पोटेंशियल है हमारे पास में। अगर मैं ये कहूँ दीज आर द फोर रेजिस्टेंस हेयर, जिसको मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द पी, दिस इज़ द क्यू, दिस इज़ द आर एंड एस, दीज आर द फोर रजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या चीज़ है, जी है, यहाँ से एक करंट आ रहा है आई जी, ठीक है, क्यों, यहाँ पर जो आई करंट था, यहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दिस इज द टू पार्ट्स, जिसको आपने क्या क्लेम किया, दिस इज द आई वन, दिस इज द आई टू, ओके। यहाँ पे भी ये करंट आपका आई वन है, यहाँ भी करंट क्या जाएगा, आई वन जाएगा, और यहाँ से करंट आई टू है, तो यहाँ से भी आपका करंट क्या जाएगा, आई टू ही यहाँ से पास होगा, और यहाँ से आपका करंट क्या आएगा, आई ही आएगा। इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। अगर मैं इसकी वर्किंग की मैं बात करता हूँ, दिस इज़ द पी क्यू आर, ये क्या चीज़ है, पी क्यू आर एस इज़ द रेजिस्टेंस, और ये आपका क्या चीज़ है, यहाँ पर कोई वोल्टेज है जिसको क्या कह देते हैं, ई कह देते हैं, ई एम एफ, ठीक है, या वोल्टेज जो भी है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की मैं बात करता हूँ बेटा, कि इसके प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो इसकी मैं बात करना चाह, प्रिंसिपल क्या चीज़ है, प्रिंसिपल तो अब इसका खुद ही एक प्रिंसिपल है, मैं इसकी वर्किंग की मैं बात करना चाहता हूं कि वर्किंग में ये किस तरीके से ये काम करता। मैं ये कहना चाहता हूं, लेट लेट द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर फिक्स्ड, फिक्स द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल गैल वेनोमीटर, ठीक है, देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपने इस तरीके से देखा पी एंड क्यू क्या चीज़ है,
एक फिक्स वैल्यू है, आर को इस तरीके से फिक्स किया है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर, जी के अंदर, इसके अंदर क्या चीज़ है ये दिखाई दे कि देर इज़ नो डिफ्लेक्शन सोज इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट बी एंड डी आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल रहेगी वी पर और डी पर वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। सो द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्या रहेगा, बैलेंस्ड पोजीशन। और बैलेंस पोजीशन क्या रहेगी हमारे पास में, पी ओवर में क्यू इज इक्वल टू आर ओवर में एस। दिस इज द बैलेंस पोजीशन। ठीक है, पी ओवर में क्यू विच इज इक्वल टू आर ओवर में एस। तो ये है हमारे पास में क्या चीज़ है, बैलेंस पोजीशन। दोबारा से आप सुन लीजिए, अगर इस अरेंजमेंट को देखा जाता है, एक ब्रिज टाइप में है, क्या चीज़ है, ब्रिज टाइप में है। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको मैं बता दूँ, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिफ्लेक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उनके अंदर क्या चीज़ है, ये डिफ्लेक्शन का काम करता है। ये छोटे से छोटा सेंसिटिव डिवाइस है, छोटे से छोटी होने वाली हरकत को भी ये क्या कर लेता, मेजर कर लेता है कि कितना करंट हमारा मूव कर रहा है और कितना नहीं करना। तो इस तरीके से पी एंड क्यू आर फिक्स, सो आर इज सो एडजस्टेड दैट द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड डी आर इक्वल। सो अगर मैं ये कह सकता हूँ, सो द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस पोजिशन, दिस इज द पी ओवर में क्यू विच इज इक्वल टू आर ओवर में एस। तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हो गई। ये आपको आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको देखना है, अगर मैं इसका डेरिवेशन की मैं बात करूँ, किसकी मैं बात करूँ बेटा, डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कि क्या ये बैरी जो बैलेंसिंग पोजीशन थी क्या यही रहती है हमारे पास में। तो इसी के अगले केस में हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ, ठीक है, बैलेंस पोजीशन की डेरिवेशन हम करके देखते हैं कि क्या है, यही है। देखिए, देयर आर टू लूप्स हेयर। अगर मैं यहाँ पे लूप्स की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। हमारे यहाँ पर कितने हैं, दो लूप्स हैं। उन लूप्स में आपको क्या लगाना है, KVL लगाना है। तो दो लूप हैं, आपको पता है। देखिए, पहला लूप आपका इस तरीके से है, दूसरा लूप भी आपका क्या चीज़ है, इस तरीके से। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, ऐसे कह लीजिए, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, दिस इज द सेकंड। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, ये देख लीजिए। अगर आपको ये पहला केस इस तरीके से है, दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। इस तरीके से पोजीशन पे ये काम करेगा, ठीक है। चलिए अच्छी तरीके से कर देते हैं, दूसरी पोजीशन ये है, ठीक है, ऐसे लग रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो लूप है इन बैलेंस पोजीशन, ठीक है। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप ए बी
डी ए बी डी ए, ठीक है। इस लूप में हम काम करेंगे। मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में आपके साथ में मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने बताया था कि जब हम मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या रहेगी, -I1 क्या रहेगी, P। फिर हम इस तरीके से मूव करेंगे नीचे, ठीक है। तो ये भी क्या डायरेक्शन है हमारे पास में, भाई यहाँ तो करंट है तो माइनस करंट कितना जा रहा है, IG, ठीक है, -IG कैपिटल जी, ठीक। कैपिटल जी क्या चीज़ है, गैल्वेनोमीटर है, इसका भी अपना कोई क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा। और फिर क्या चीज़ है, यहाँ आ गए, अब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो +I2R विच इज इक्वल टू 0, वेयर वेयर IG इज इक्वल टू 0 बिकॉज द गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। तो -I1P +I2R इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये लिख देता हूँ I1P विच इज इक्वल टू I2R। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ऐसे ही अगेन अगेन मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, अगेन अप्लाई अप्लाइंग KVL इन लूप कौन सा है आपके पास में, BCDB, आपका है BCDB। इस तरीके से आप मूव करोगे, जैसे ही आप B के साथ में मूव करोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है, आप ऐसे मूव करोगे, करंट की डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा, -I1Q, ठीक है। ये आप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस क्या चीज़ है, +I2S, और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास में IG विच इज इक्वल टू 0। IG बताया आपको क्या चीज़ है, IG हमारे पास है 0। तो ये आप लिख दोगे I1Q बराबर I2S, I1Q इज इक्वल टू I2S। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। नाउ नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो आप जब 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा I1P अपॉन में I1Q बराबर I2R अपॉन में I2S। I1 से I1, I2 से I2, तो ये आ गया P अपॉन में Q विच इज इक्वल टू R अपॉन में S। दिस इज द बैलेंस पोजिशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। दिस इज द बैलेंस पोजिशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये आपका सिंपल है, आपको KVL लगाना आना चाहिए और आप सीधी सीधी आप इसको कर सकते हो। लूप के अंदर आपको KVL आना चाहिए, ये टोटल आई करंट होता है, ठीक है, जो इसके अंदर है, ये आई ही आपके पास में आ जाता है, ठीक है। आगे सन में दिस इज द पी ओवर में क्यू विच इज इक्वल टू आर ओवर में एस। दिस इज द व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या चीज़ है अब आपका, ये व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारे पास में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज़ है, व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसका नाम है हमारे पास में मीटर ब्रिज, और क्या कहते हैं उसको, स्लाइड वायर, ठीक है। क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही वो वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप याद करें, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जितनी भी है। ये आपने बेटा 12th में भी की होंगी, जिसने नहीं की वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है
वो है आपके पास में मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज, और क्या कहते हैं इसको, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज। हमारे पास में क्या चीज़ है, स्लाइड वायर ब्रिज। तो ये चीज़ है हमारे पास में। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, क्या चीज़ है ये, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मैं ये कहना चाहूँ, स्लाइड स्लाइड वायर ब्रिज, शॉर्ट में SWB भी कह सकते हो, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज विच इज मेजर्ड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है ये विच इज मेजर अननोन रेजिस्टेंस। वहाँ कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस रहेगा जिसको ये क्या करेगा, मेजर करेगा। अगर प्रिंसिपल क्या रहेगा इसका, प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है क्या प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो आपको बता देता हूँ, इट्स प्रिंसिपल या इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये इस पर क्या काम करता है, वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में अगर मैं देखता हूँ, दो हमारे वुडन के अंदर कॉपर स्ट्रिप होती है, किस तरीके से होती हैं ये ध्यान देना, मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से इस डायग्राम को बताऊंगा कि किस तरीके से होगा ये। एक स्ट्रिप आपके पास में सपोज कीजिए इस तरीके से है, ठीक है, और इसके करस्पोंडिंग अगर मैं ये कहूँ, इसके करस्पोंडिंग एक स्ट्रिप आपके इस तरीके से है, ये राइट एंगल स्ट्रिप्स हैं जो कि कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, क्या है, कॉपर की बनी हुई है। चलो इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसके हिसाब से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक स्ट्रिप्स आपकी ये है, इस तरीके से आपके पास में क्या है, स्ट्रिप्स हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा पॉइंट इसमें है, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ, एक पॉइंट हमारे पास में ये है और एक पॉइंट हमारे पास में ये है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये पॉइंट है, ये वुडन के अंदर फिट है, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूँ कि हमारे पास में जो वुडन बोर्ड है उसके ऊपर क्या है, टू कॉपर स्ट्रिप्स है, ये क्या चीज़ है, टू कॉपर स्ट्रिप्स एट द राइट एंगल। आपने देखा होगा 90 इंच का इसके अंदर क्या है, कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या है, कोण बन रहा हुआ है। तो आपके पास में अगर मैं ये कहना चाहूँ,
अब एक हमारे पास में एक वायर है, क्या चीज़ है, मैं ग्रीन पेन से आपको बता रहा हूँ। आपने एक वायर, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, क्या है, ये वायर है, ठीक है, ये हम मिटा देंगे। और इस तरीके से ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ है वो क्या चीज़ है, 1 मीटर, ठीक है, क्या चीज़ है हमारे पास में, 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का क्या चीज़ है हमारे पास में, एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ क्या चीज़ है, 100, ठीक है। टोटल लेंथ क्या कह दी है मैंने, 100 कह दी है। तो आपने यहाँ से इस वायर को पोटेंशियल अप्लाई की, दिस इज़ द पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये नेगेटिव, दिस इज़ द पॉजिटिव, इसका मतलब करंट आपका इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, आगे सिंह में, ओके। अब आपने देखा एक बॉक्स आपने यहाँ कनेक्ट किया, दिस इज़ द बॉक्स, इस बॉक्स का नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, आप उसमें से एक सूटेबल रेजिस्टेंस क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। और आपने इस वायर को, इस स्ट्रिप को इस रेजिस्टेंस वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सेम इस स्ट्रिप को क्या कर दिया, इस रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस वाली स्ट्रिप से आपने एक अननोन रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जो हमने जिसको कह दिया एस, क्या कह दिया, एस। ये क्या है, रेजिस्टेंस ये, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ दिस इज द ए, दिस इज द बी, और ये है हमारे पास में सी, और ये क्या चीज़ है, डी, कोई पॉइंट है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ ये लेंथ पूरी 100 है, ठीक है, और इस डी, डी के साथ में आपने एक जॉकी कनेक्ट की, ठीक है, क्या चीज़ है, जॉकी, दिखाई दे रहा है ना, ओ आई सी, चलो ऊपर से दिखाता हूँ इसको, तो आपने इस वायर से सबसे पहले आपने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जी जी इज द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक जॉकी से इस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, बी कह दिया, इज द ए बी सी एंड डी, ठीक है। सिंपल वर्किंग रहेगी हमारे पास में, जो ये यहाँ से ए से बी जो लेंथ है उसको क्या कह दिया, पी कह दिया, बी से जो सी है उसको क्या कह दिया, क्यों कह दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बताइए, आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये आपके पास में ये है, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या चीज़ है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आगे सुन में, ये क्या चीज़ है, जॉकी, जॉकी, आगे चीज़ है जॉकी। ये आपके पास में टोटल EMFE, ठीक है, क्या है, टोटल EMFE। अब आप इसकी वर्किंग देखोगे, दिस इज़ द प्रैक्टिकल डायग्राम, ये आपके वुडन स्ट्रिप्स है,
आपको फटाक से यहाँ से इसके दो एंड पॉइंट होंगे, उसको एक अननोन रेजिस्टेंस से ले लेंगे, ठीक है। ये जो वायर है या क्या की चीज़ है, 1 मीटर लेंथ एसी, एसी इज अ वायर हैविंग द लेंथ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, विच इज मेड द कौन सा वायर होता है, रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर का कौन कौन सा हमारे पास में नाम है बेटा, उसको बोलते हैं यूरेका और मैनगानिन, ठीक है। क्या कहते हैं, मैनगानिन, उसका ये बना हुआ है। अगर आप इसकी वर्किंग करोगे, लेट अस कंसीडर अ एसी वायर हैविंग द लेंथ 1 मीटर विच इज इक्वल टू कह सकते हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास में 100 सेंटीमीटर, विच इज मेड बाय द यूरेका और मैनगानिन। उसके बाद में इफ इट इज स्ट्रेच, इस वायर को आप क्या कर दोगे, टोटली क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे। इट इज स्ट्रेच टू कनेक्ट अ टू राइट एंगल वुडन स्ट्रिप्स, ठीक है। दिस गैप इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस गैप इज कनेक्टेड टू द संट रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस। आगे सुन में, द डी पॉइंट, डी पॉइंट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर थ्रू अ जॉकी, क्या हो जाएगा, जॉकी। जब आप इस जॉकी को इस तरह इससे क्या कर दोगे बेटा, कनेक्ट कर दोगे, तो इतना सारा चीज़ ये आ जाएगा, ठीक है, जॉकी ये आपके पास में हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच शोज द डिफ्लेक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके। ये सारी चीज़ें, अगर मैं इसकी वर्किंग की मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप कहोगे आफ्टर टेकिंग अ सूटेबल रेजिस्टेंस, तो मान लीजिए आपने यहाँ से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल दिया, यहाँ से कोई एक रेजिस्टेंस क्या कर दिया, निकाल लिया, आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ओके। जैसे ही आपने आफ्टर टेकिंग अ सूटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, अब आपको क्या कम करना है, दिस इज द जॉकी। जॉकी क्या चीज़ है, इस लाइन पर आप डिफ्लेक्शन शो करोगे। मान लीजिए जॉकी को यहाँ देखा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, ओके। जॉकी को यहाँ चेक किया इस वायर पे, डिफ्लेक्शन शो किया। जॉकी को यहाँ किया, डिफ्लेक्शन शो किया। जॉकी को यहाँ शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन एट द पॉइंट बी देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जैसे ही बी पॉइंट पर यहाँ से एक रेजिस्टेंस वैल्यू को क्या किया, चूज किया, बाहर निकाला, बी पॉइंट पर, बी इज द पॉइंट वेयर देर इज नो डिफ्लेक्शन शोज इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, तो वही पोजीशन क्या रहेगी, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग पोजीशन, क्या रहेगी ये, यही हमारे पास में क्या रहेगी, बैलेंसिंग पोजीशन रहेगी। अगर मैं ये कहूँ यहाँ तक की जो लेंथ क्या है, एल है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, 100 माइनस एल है, और अगर मैं ये कहूँ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, वो है आपकी 100, ठीक है। तो ये सारा केस आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू बीट स्टोन ब्रिज, अब मैं ये आर्टिकल, ये डायग्राम है ना, चलिए मैं ये मिटा देता हूँ, यही करते हैं, छोटा सा है, चलिए निकालते हैं। मैं ये कहता हूँ अकॉर्डिंग टू वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, तो बैलेंसिंग पोजीशन क्या होती है, बैलेंसिंग पोजीशन क्या होती है, पी अपॉन में क्यू विच इज इक्वल टू आर अपॉन में एस, ओके, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ वेयर लेट, हमारे पास में ए बी क्या चीज़ है, पी, ए बी क्या चीज़ है हमारे पास में, पी, और बी सी क्या चीज़ है,
बी सी हमारे पास में क्या चीज़ है, क्यों। तो ये क्या चीज़ है, ये है ए बी इज इक्वल टू बी, बी सी इज इक्वल टू क्यू, बी द पार्ट ऑफ द लेंथ। क्या चीज़ है, बी द पार्ट ऑफ द लेंथ, ये क्या चीज़ है, लेंथ के पार्ट है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल होगा नहीं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इस डायग्राम को याद रखना। मैं बात करता हूँ कि हमारे पास में रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के। ओके, आपको पी पता है, पी अपॉन में क्यू है, इसका मतलब मैं अगर मैं बात करता हूँ पी की, मैं बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस पी क्या चीज़ है, एक लेंथ है, तो मैं रेजिस्टेंस निकालूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। ओके, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी, यही तो रहेगा, ये है पी क्या चीज़ है, ए बी, ठीक है, और ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा एल, सिग्मा अगर मैं बात करता हूँ दिस इज द 100, ए बी को मैंने क्या माना, ए बी इज़ द 100, मान लेते हैं 100 है, ठीक है, सॉरी ए बी इज़ द लेंथ, एल है, क्या चीज़ है, एल, और दूसरा है सिग्मा, तो बी सी कितना रहेगा भाई, 100 में से एल गया, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज द पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल, दिस इज द टू, ये आपकी फर्स्ट न कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो हमारे पास में आर अपॉन में एस इज इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है, और मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एस, तो एस जब मैं निकालूँगा, एस जब मैं निकालूँगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन में आर अपॉन में क्या आ जाएगा, एल, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू आप कह देना दिस इज द आर 100 माइनस एल अपॉन में एल, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, एस इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही हमें किसी भी आर्टिकल को, इसमें हमने कोई घड़ी का सेल लगा दिया, निप्पो वाले या एवरेडी वाले कोई सेल आता है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हो गया, तो S इज इक्वल टू, अब आपको पता है R, R आपको पता होगा क्योंकि R एंड L, ठीक है, R, R क्या चीज़ है, R इज नोन, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये नोन है, ऐसी L भी नोन है, नोन है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये अननोन है, तो यहाँ सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालना, R इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में एल, इसके बड़े ही सिंपल, इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है और क्या चीज़ है हमारे पास में, स्लाइड वायर ब्रिज क्या है, जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास में है, क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, क्या रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल। करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, टर्मिनल पोटेंशियल, तीन चार आर्टिकल रह रहे हैं आपके इस यूनिट के, जल्दी वो फिनिश हो जाएंगे, जिसमें आपका टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा, आज ईएमएफ हो जाएगा, फिर आपकी जो बचेगा टॉपिक जूल्स हीटिंग इफेक्ट केबल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर। अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल।
अब मैं अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल, कि टर्मिनल पोटेंशियल होता क्या है, देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, डिफरेंस, ठीक है, ये केस है आपका। तो मैं ये कहता हूँ व्हेन द पोटेंशियल, व्हेन द पोटेंशियल, व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, ड्रॉन फ्रॉम इट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ये कहता है व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन कि हमारे पास में अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास में है, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ठीक है, ये सेल है, क्या चीज़ है, सेल है, तो आपको पता होगा इसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा सेल का। ठीक है, ये क्या चीज़ है, आपका एक सेल है और इस सेल को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया आपने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया, दिस इज़ द पॉजिटिव, दिस इज़ द नेगेटिव। और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेल है तो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और क्या कैपिटल आर क्या चीज़ है, कैपिटल आर इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ तो ध्यान देना, इसको मैं रेड के अंदर इस तरीके से बंद कर देता हूँ, तो एक सेल होता है, ये क्या है, ये एक सेल बन गया, क्या चीज़ है, दिस इज द सेल, सेल क्या है हमारे पास में, सेल जिसका पॉइंट अगर आप कहना चाहो दिस इज द ए और दिस इज द बी, ए बी इज द सेल, लेकिन हमेशा करंट क्या होगा, आई पास हो रहा है, यहाँ से भी करंट आई रहेगा, यहाँ से भी करंट आई रहेगा, और बेटा यहाँ से भी करंट क्या रहेगा, आई पास होगा, और इसके अंदर से भी करंट क्या रहेगा, आई ही पास होगा, दिस इज द, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसकी अगर मैं ईएमएफ की मैं बात कर देता हूँ, सेल की जो ईएमएफ है वो क्या चीज़ है, एप्साइलिन, ठीक है, एप्साइलिन जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं। तो आप देखिए लेट लेट अगर मैं ये कहना चाहता हूँ ए बी इज अ सेल, ठीक है, ए बी इज द सेल, स्मॉल आर इज द इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड एप्सिलॉन इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल ये चीज है, इज कनेक्टेड टू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो अगर हम बात करें
तो टोटल जो इसका पोटेंशियल क्या चीज़ है, कोई हमारे पास में वी होगा, ठीक है, और सेल का पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में, इंटरनल सेल का कोई पोटेंशियल होगा इसका, है तो टोटल पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इज गिवन बाय तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। वी इज द टोटल पोटेंशियल एंड वी डैश इज द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं कहना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो वी इज इक्वल टू कैपिटल आई आर रहेगा, वी डैश इज इक्वल टू आर कैप आई तो सेम रहेगा क्योंकि पूरे सर्किट से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन आर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो टोटल हमारे पास में यूजिंग इक्वेशन वन, तो हमारे पास में एप्सिलॉन केस के बराबर रह जाएगा आई आर प्लस आई आर। तो एप्सिलॉन जो है हमारे पास में वो किसके बराबर रह जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, आर प्लस आर। ये याद रखना, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या रहेगा, ये ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अगर मैं बात करता हूँ कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल ये है, तो अगर मैं इसमें अगर मैं बात करता हूँ इसके केस में इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर करंट देखोगे आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में आर प्लस आर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये करंट फ्लो इन द किसमें है, एप्सिलॉन को थोड़ा सा ठीक बना लीजिए भैया, ये है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ तो पोटेंशियल क्या रहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, तो एप्सिलॉन आर अपॉन में आर प्लस आर, ये केस क्या रहेगा, टोटल पोटेंशियल का रहेगा। यहाँ तक अगर मैं ये कहना चाहूँ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आपको पता है, सबसे पहले आप जानते हो कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, वी प्लस वी डैश, क्या चीज़ है हमारे पास में, वी प्लस वी डैश। और आपको पता बेटा, वी अगर मैं यहाँ से क्या निकाल देता हूँ, वी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी, और वी डैश क्या चीज़ है हमारे पास में, आई स्मॉल आर विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी, और आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन में क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू आई क्या होती है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल वी की हम बात कर रहे थे ना, तो आई आई तो करंट है और करंट पूरे सर्किट के अंदर रहेगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी अपॉन में आर, तो एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन में क्या रहेगा, वी अपॉन में आर, तो स्मॉल आर क्या रहेगा, कैपिटल आर टाइम्स एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन में क्या रहेगा, वी। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल, क्या होता है, व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। लास्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चेक कीजिएगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, मोटिव नहीं, मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, अगर मैं इसके केस की मैं बात करूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन देखिएगा बेटा क्या कह रहा है। डेफिनेशन बिल्कुल कहता है कि हमारे पास में कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज EMF इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाई, एनर्जी मीन्स ई, एनर्जी ई प्रोवाइडेड बाई द बैटरी, बैटरी टू ईच कूलम, कूलम ऑफ चार्ज क्यों पासिंग थ्रू इट, थ्रू इट, ठीक है, ये हमारे पास में है। तो EMF इज इक्वल टू ई अपॉन में क्यू, दिस इज द डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये हमारे पास में रहेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि EMF इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है, EMF इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस व्हेन नो करंट, करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, ये कह दिया है। जब हमारे पास में आई बराबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको बताया था एप्साइलन इज द टर्मिनल पोटेंशियल, दिस इज द क्या है, वी प्लस वी डैश। अगर मैं वी डैश की मैं बात कर रहा हूँ तो एप्साइलन माइनस वी, और वी डैश हमारे पास में क्या रहता है, आई आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी, ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा। और हमने ये कह दिया कि आई जीरो है, आई जीरो मीन्स दिस इज द जीरो विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी, ये दोनों ही है। क्यों, क्योंकि ई एम एफ, और ये भी क्या चीज़ है, ई एम एफ किसके बराबर है, आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज, विच इज EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर इन वोल्ट बट बोथ आर नॉट इन सेम थिंग, लेकिन ये दोनों ही क्या है, सेम थिंग नहीं है, लेकिन इनको मेजर किस में किया जाता है, वोल्ट में ही किया जाता है, इसीलिए एप्साइलन का मतलब क्या हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ वोल्ट, वोल्ट में इसको मेजर किया गया है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्या कह दिया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, व्हेन द करंट इज फ्लोज थ्रू इट, ठीक है, नो करंट इज फ्लोज थ्रू इट। तो ये आपका आज का ये सारे कंसेप्ट हो गए। सबसे पहले मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया, फिर उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, मैंने फिर टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में बताया, और अब लास्ट में क्या बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बता दिया। चल दिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।